उनका जाए ना तो जाएगा। प्लीज ये मत करें, घर में मत बैठे पाकिस्तानी और बाहर निकलो। हम कश्मीरियों को आपसे उम्मीद है, अगर आप पाकिस्तान ना बचा पाए ना तो कश्मीर तो कभी भी नहीं बचा पाएगा। प्लीज़ इल्तजा है, प्लीज़ पाकिस्तानियों सिर्फ पठानों पे मत सिर्फ भरोसा करो, वो बेचारे तो खड़े हैं। कब निकलेगा पंजाबी, कब निकलेगा सिंधी? सिर्फ एक पठान ने थोड़ी ठेका उठाया है, हम कश्मीरी और पठान यहाँ सबसे ज़्यादा होंगे। कसम खुदा की पंजाबी नहीं निकलता, सिंधी नहीं निकलता, और वो इरशद शरीफ के कत्ल में भी शामिल है। अगर आप निकलते तो वो मरता कभी ना। सॉरी, इसका खून आप सब पे। बहुत शुक्रिया, बहुत आदत के हवाले से आपके क्या तासुरात है, क्या कहना? जज्बा तो यही है लोगों का भी, सबका, और मैं शायद बहुत सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन हूँ, कि ऐसे लगता है जैसे अपने घर में शहादत हुई हो। बिल्कुल ऐसे लगता है। कितने लोगों से मेरी बात हुई, वो यही कहते हैं कि ऐसे लगता है कि अपने घर में किसी के साथ ये सारा जुल्म हुआ हो। तो अरशद शरीफ से हमारा खूनी शायद कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन हमारे उनसे बहुत से रिश्ते हैं। अल्लाह करीम उनकी शहादत को कबूल मंजूर फरमाए। आपको क्या लगता है इसके कत्ल के पीछे क्या मुमकिन वजूहात हो सकते हैं? वजूहात क्या हैं? उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई, और वो आवाज़ जो दबाने की कोशिश की गई, वो आप स्प्रिंग का रूल देखेंगे, स्प्रिंग को जितनी शिद्दत से दबाएंगे छूट के मुंह पे लगेगा। और आज जो मुंह पे लगने वालों की कांपें टांग रही हैं और उनको समझ आ रही है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, बस इतना ही कहूँगी। कातिलों और जालिमों को क्या आप जवाब देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहिए जिन्होंने ये जुल्म परवियत की है? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने किया है। एक पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, दूसरे पे, तीसरे पे, अल्लाह जो जानता है वो हम नहीं जानते। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो चाहे कोई भी है, वो इंटरनेशनल कोई एजेंसी है, वो पाकिस्तानी है, वो अंदरूनी या बैरूनी ताकतों में जो भी है, अल्लाह उनके बच्चों को वही मौत मारे, और अल्लाह करे कि वो खुल के कौम के सामने आए, चाहे वो कोई भी है, कोई भी है, वो कौम के सामने आए। और मैं यही कहूँगी कि तुम कितने अरशद मारोगे, हर घर से अरशद निकलेगा। आपको क्या लगता है साफियों की आवाज़ को गोलियों से दबाया जा सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जिस शिद्दत से आप लोगों ने अरशद की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, आज देख लें, सुन लें। बाकी साफियों को भी धमकियाँ दी जा रही हैं, जो सच बोल रहे हैं उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। मैं सिर्फ यही कहूँगी उन साफियों को कि दबना नहीं है, झुकना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं, और अल्लाह ताला जो है वो कुर्बानी कभी रायगां नहीं जाने देता। इंशाल्लाह रंग लाएगा शहीदों का लहू, इंशाल्लाह।